पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आज चिदंबरम की पेशी, 2 बजे के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई पूछताछ के लिए मांग सकते हैं 14 दिन की रिमांड, ईडी भी हिरासत में लेने की कर सकती है अपील। चिदंबरम आज बेल के लिए देंगे अर्जी, राउस एवेन्यू कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, सादी वर्दी में घूम रहे हैं अधिकारी। सीबीआई लॉकअप में गुजरी पी चिदंबरम की रात, रात को चिदंबरम से हुई पूछताछ, आज भी सवालों की बौछार। 30 घंटे के बाद हुए गिरफ्तार चिदंबरम, कल रात सीबीआई की टीम दीवार फांद कर घर में हुई दाखिल। पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, देश में लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। सुरजेवाला ने कहा गवाहों को प्रभावित करने का कोई सबूत नहीं, असली आरोपी घूम रहे हैं बाहर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले चिदंबरम ने कांग्रेस दफ्तर में आकर की थी मीडिया से बात, सरकार को किस बात की थी हड़बड़ी। कपिल सिब्बल ने चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा लोगों को टारगेट किया जा रहा। चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर चेन्नई और कोलकाता में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। चेन्नई से दिल्ली पहुंचे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, आज दाखिल करेंगे जमानत याचिका। पिता की गिरफ्तारी पर कार्ति चिदंबरम ने लगाए सरकार पर आरोप, बोले राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा काम। कार्ति ने कहा कश्मीर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार कर रही है कार्रवाई, आईएनएक्स मीडिया मामले में मेरे पास से जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला। कार्ति चिदंबरम ने चार्जशीट नहीं दाखिल करने पर भी खड़े किए सवाल। कांग्रेस चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर करेगी सरकार की घेरेबंदी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोहिनूर इमारत मामले में राज ठाकरे पहुंचे ईडी के दफ्तर, राज ठाकरे के साथ बच्चे भी मौजूद। हिरासत में लिए गए एमएनएस नेता संदीप देशपांडे, एमएनएस के हंगामे को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस, मरीन ड्राइव, एमआरए मार्ग, दार और आजाद मैदान इलाके में धारा 144 लागू। ईडी के दफ्तर और राज ठाकरे के घर में भारी पुलिस बल की तैनाती, थाने में कल एक कार्यकर्ता ने कर लिया था आत्मदाह। भाई के बचाव में उतरे उद्धव ठाकरे, बोले जांच में कुछ भी नहीं आएगा सामने। कोहिनूर इमारत मामले में ईडी ने भेजा था राज ठाकरे को समन, 2 दिन पहले दिया गया था नोटिस। दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर तोड़े जाने को लेकर हंगामा, पत्थरबाजी और हंगामे में 15 पुलिसकर्मी घायल। हिंसा के आरोप में 91 लोगों की गिरफ्तारी, भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर आजाद भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लगे आरोप, आज साकेत कोर्ट में आरोपियों की पेशी। रविदास मंदिर मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर किया हमला, सरकार को बताया दलित विरोधी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को दी थी दिल्ली के आसपास के राज्यों में मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की हिदायत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर की मूर्ति लगाए जाने को पर डीयू में सियासत तेज, एनएसयूआई ने पोती कालिक, पहनाई जूतों की माला। एबीवीपी ने प्रॉक्टर की अनुमति के बगैर लगाई थी सावरकर की प्रतिमा, रातों रात प्रतिमा लगाए जाने को लेकर हो रही थी सियासत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी, लैंड घोटाले के मामले में है आरोपी। योगी की कैबिनेट विस्तार में जगह पाने वाले 15 मंत्री करोड़पति, कल 18 मंत्रियों ने ली थी शपथ। योगी ने नए मंत्रियों की जमकर की तारीफ, कामकाज को बताया प्रमोशन की वजह।
तीन देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी रात में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे बैठक। मैक्रों से मीटिंग के बाद रात 10:30 बजे डेलीगेशन लेवल की मीटिंग होगी, फिर 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। G7 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पीएम मोदी करेंगे मुलाकात, कश्मीर मुद्दे को लेकर होगी चर्चा। कश्मीर में 370 हटने के बाद मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात, ट्रंप लगातार भारत के रुख का कर चुके हैं समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से की अफगानिस्तान में जारी आतंकवाद से लड़ने की अपील, कहा अफगानिस्तान के बगल में है भारत, ISIS से लड़ना ही पड़ेगा। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, कृष्णा घाटी सेक्टर में LOC पर फायरिंग। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे स्कूलों में बढ़ रही है छात्रों की संख्या, सड़कों और बाजारों में अब भी सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के डोडा में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं अब भी बंद, छात्रों को परेशानी। घाटी में हालात सामान्य होने की आई तस्वीरें, त्राल में क्रिकेट मैच खेलते दिखे बच्चे, लोगों ने कहा मोदी से है बड़ी उम्मीद। पाकिस्तान में परफॉर्म करने पर गायक निका सिंह पर लगा प्रतिबंध, फिल्म कलाकारों के संगठन ने हटाया, माफी मांगने के बाद लिया फैसला। अयोध्या विवाद पर रामलला विराजमान की तरफ से बहस पूरी, राम जन्मस्थान पुनरुद्धार समिति ने रखा अपना पक्ष। राम जन्मस्थान पुनरुद्धार समिति ने किया स्कंद पुराण का जिक्र, सरयू नदी में स्नान के बाद राम जन्मस्थान के दर्शन करने की बात पर दिया जोर। उन्नाव रेप कांड मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट में गवाही के लिए पेश होंगे उन्नाव के DM देवेंद्र पांडे, पुलिस हिरासत में पीड़िता की मौत को लेकर सुनवाई। 30 सितंबर को भारतीय वायुसेना को मिलेगा अपाचे हेलीकॉप्टर, पठानकोट में होगी पहली तैनाती। अमेरिका से हुई है 22 हेलीकॉप्टर की डील, अभी पहले चरण में 4 हेलीकॉप्टर होंगे शामिल। दिल्ली में कम हुआ बाढ़ का खतरा, यमुना नदी से पानी का स्तर घटना शुरू। यमुना पर पुराना लोहा पुल ट्रैफिक के लिए खुला, शाम करीब 6:30 बजे से शुरू होगी आवाजाही। दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में घुस गया था यमुना का पानी, उस्मानपुर पुस्ता में पेड़ पर रात गुजारने को मजबूर हुआ परिवार। राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे से रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन ने करीब 30,000 लोगों को निकाला। दिल्ली के पुस्ता इलाके में राहत कैंप का जायजा लेने पहुंचे केजरीवाल, लोगों की शिकायतों के निपटारे का आदेश।